तो गाइस अगर आप भी इनको लाइक करते हो तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम एक बार जरूर लिखना। तो गाइस आज हम वो करने वाले अयोध्या राम मंदिर का यात्रा। तो मुझे बहुत सारी कार की ज़रूरत है जिससे हम लोग यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कार शोरूम के पास, जिससे हम बहुत सारी कार को ले पाएँ और अयोध्या राम मंदिर की यात्रा में हम लोग शामिल हो पाएँ। तो हम लोग निकालते हैं अपने थार को और चलते हैं शोरूम के पास। Meanwhile, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग शोरूम के पास आ चुके हैं, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। और यहाँ पे तो बहुत सारे कार लगी हुई। हम लोग को कोई एक कार लेनी है, एक कार चूज करना है जो बहुत सारे होगा, जो लगभग 10-12 कार हम लोग लेंगे। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि हम बहुत सारे थार को ही अपनी यात्रा में ले जाएंगे। तो मैंने शोरूम से मालिक के बात कर लिया हूँ और मैं एड्रेस भी दे चुका हूँ अपने घर का, ये हम लोगों का थार वहाँ पर डिलीवरी कर देगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने घर पे, ये 1-2 घंटे में हम लोग का डिलीवरी दे देगा, और हम लोग की इस यात्रा में रात भी हो सकती है। और तब तक लिए वेट करते हैं, 1-2 घंटे में हम लोग का थार का डिलीवरी होगा। Meanwhile, और गाइस मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि हम लोग की यात्रा जो है वो जाएगा रात में, और सुनसान जगह से होते हुए हम लोग रात में जाएंगे। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है इतने रात में जाना, कहीं कुछ हम लोग को हो ना जाए। तो भाई अभी तक तो रात हो गई, अभी तक तो आ जाना चाहिए कार का डिलीवरी। बालकनी से देखता हूँ ये क्या चमक रहा है आगे। ओ भाई ये तो मैं गिर ही गया। ओ भाई ये क्या हो गया। हम लोग कार का डिलीवरी आ चुका है, जो थार है और बिल्कुल उल मॉडिफाई है। ये जितना भी थार है ये सारे मॉडिफाई है, पूरा डीजे एडिशन। तो अब हम लोग फाइनली जा सकते हैं अपनी यात्रा में। अब मैं चलता हूँ अपनी यात्रा की ओर, और ये जितने भी थार हैं ये धीरे धीरे करके यात्रा में शामिल होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपनी यात्रा की ओर, और ये जो यात्रा का रास्ता है ये बहुत सुनसान जगह से गुजरता है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। Meanwhile, तो वही हम लोग पहुँचने वाले हैं अपनी यात्रा में, लेकिन 1 सेकेंड, ये लोग सामने कौन है भाई, कहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारे जगह यही मॉन्स्टर हमको देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यहाँ पर सबको ठोकते ठाके चलता हूँ आगे, नहीं तो मैं फंस ही जाऊँगा यहाँ पे। ओ शिट यार मेरा पेट्रोल ही ख़त्म हो चुका है, इस गाड़ी को अब नहीं चला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी है। अबे यार चल जा गाड़ी, अबे यार ये गाड़ी तो चल ही नहीं रहा है। तो मैं जल्दी से उतरता हूँ, भागता हूँ यहाँ से, ये मेरे पीछे इतने सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं, ये कोई मुझे मार ही नहीं रहा, मुझे बहुत तेज से भागना होगा यहाँ से। ओ शिट यार यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं, मैं मार रहा हूँ तो इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अबे यार मुझे छोड़ो यार, मुझे जाना है यात्रा में। अबे यार मैं तो यहाँ पे बेहोश हो चुका हूँ, अब क्या होगा। Meanwhile, ओके ये मैं कहाँ आ गया। ओ भाई ये कौन सी जगह है, ये तो फुल सुनसान एरिया लग रहा है। वो ये कौन है, सामने कौन है ये। ओ भाई, ओ भाई ये कौन है भाई, और ये मैं कहाँ आ चुका हूँ, लेकिन ये सामने से कैसी आवाज आ रही है। मैं निकलता हूँ बाहर। ओ भाई बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो यात्रा में जाना था, ये मैं कहाँ आ चुका हूँ। अभी इसका दीवार तो टूटा हुआ है, लेकिन ये घर का दीवार कैसे टूट गया, बाहर का डोर खुल चुका है, लेकिन मुझे यात्रा में शामिल होना था, ये मैं किधर फंस चुका हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यात्रा में थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं और मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यात्रा में थे जो यहाँ पे आके फंस चुके हैं, और मैं भी यहाँ पे फंस चुका हूँ, और मेरे भी पेरेंट्स यहीं कहीं पर होंगे, और मुझे उनको खोजना है और यहाँ से भागना है। क्या मैं यहाँ से भाग सक पाऊँगा या नहीं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कॉमेंट में एक बार जय श्री राम लिख ही देना।